इस श्रृंखला का पहला अभ्यास ये पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंग और सेवाओं की टुकड़ियां हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सेना में सेकंड डिवीजन के 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर पहुंच चुके हैं, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। बारा के छबड़ा में नगरपालिका के कार्यकाल के 3 साल पूरा होने पर पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने पालिका सभा भवन में कार्यकाल में किए गए कार्य और उनकी उपलब्धियां बताई। पालिका अध्यक्ष ने आगामी कार्य योजना की जानकारी। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में किन्नरों के 2 गुट में झगड़ा हो गया। 2 से 3 किन्नर ने मिलकर 1 किन्नर के साथ बेरहमी से मारपीट की। घायल अवस्था में किन्नर जिसका नाम है काजल न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर की बस्सी नगरपालिका में संसाधकों का अभाव, ना ही अभी तक नगरपालिका को स्थायी सफाई कर्मचारी मिले हैं, ना ही अन्य संसाधन। संसाधनों के नाम पर नगरपालिका के पास कचरा ढोने के लिए मात्र 3 ऊपर है। नागौर के गुड़ा भगवानदास गांव में पुलिस कर्मियों की सराहनीय पहल। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जयपुर पुलिस उपायुक्त और तत्कालीन SP परेश देशमुख समेत नागौर पुलिस में जवानों साथी कमांडो शहीद कुमाराम कस्वा की बहन की शादी में उसका मायरा भरा। शहीद कमांडो कुमाराम कस्वा के इस दुनिया में नहीं होने के चलते SP परेश देशमुख ने भाई का फर्ज निभाया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। दिल्ली की रोहिणी FSL लैब में पॉलीग्राफ टेस्ट एक्सपर्ट्स की टीम मर्डर का सच तलाशने में जुटे। दिल्ली में श्रद्धा जैसे एक और हत्याकांड का खुलासा। आफताब की तरह फ्रिज में शव के टुकड़े कर मां बेटे ने छिपाए फिर फेंका, दोनों आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में अवैध उगाही को लेकर आपस में भिड़े 2 होमगार्ड, सोशल मीडिया पर दोनों की वीडियो हो रही है वायरल। सहारनपुर में दिन दहाड़े पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। गाय के टुकड़ों को कार में लेकर जा रहे थे तस्कर, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में भारत में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में संपत्ति को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने सगी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। कानपुर के चेकरी गांव में हिंदू संगठन का प्रदर्शन, पुलिस पर धर्मांतरण के आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाया। थाना परिसर में हनुमान चालीसा पढ़े। बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला आया सामने, मेहताब नाम के एक युवक पर नाम बदलकर हिंदू युवती से शादी करने का आरोप। अमेठी में कई महीनों से फरार अपराधी गणेश पासी के घर पर प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, 1 महीने के भीतर सरेंडर करने का अल्टीमेटम, सरेंडर नहीं करने पर कुर्क होगी संपत्ति। हापुड़ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा, 12 से ज्यादा छात्र हुए घायल, अभिभावकों ने स्कूल में किया हंगामा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बुलाई गई बैठक, विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सत्र को शांतिपूर्वक चलाने पर चर्चा। मुरादाबाद में दिन दहाड़े बीच सड़क पर युवक को मारी गई गोली, पुलिस ने 3 के खिलाफ मामला किया दर्ज, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। उत्तरकाशी में संदिग्ध बांग्लादेशी विदेशी युवक गिरफ्तार, कई वीजा या पासपोर्ट युवक के पास नहीं, संदिग्ध से एक्सपर्ट्स की टीम कर रही है पूछताछ। गोरखपुर में बनेगी प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी, 100 एकड़ में बनेगी पहली रीजनल फिल्म सिटी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा। देवरिया में हादसे का दर्दनाक वीडियो, स्कूटी को बस ने मारी जोरदार टक्कर, स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में गैस सिलेंडर फटने से हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। इटावा में नेशनल हाईवे 2 पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, गंभीर रूप से घायल हुआ ट्रक चालक, इलाज जारी। कौशाम्बी में कोयले से भरी मालगाड़ी के डिब्बों में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। लखीमपुर खीरी में खेत में काम कर रहे शख्स पर हाथियों ने किया हमला, शख्स की हुई मौत। खंडवा में पूरी तरह से हनुमंतिया जल महोत्सव की तैयारियां, आज मुख्यमंत्री शिवराज करेंगे जल महोत्सव का उद्घाटन। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम पर मोरक्को की जीत के बाद भड़का दंगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हिंसक झड़प और आगजनी, मोरक्को ने उलटफेर करते हुए बेल्जियम को 2-0 से हराया। चीन की राजधानी बीजिंग में भी शी जिनपिंग के खिलाफ जनता की बगावत, लॉकडाउन का विरोध करने सड़क पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने जिनपिंग कुर्सी छोड़ो के लगाए नारे। उत्तर कोरिया को दुनिया की सबसे मजबूत परमाणु ताकत बनाना चाहता है किम जोंग उन, हाल ही में हुए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद किया ऐलान।
अफ्रीकी देश लीबिया में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। राजधानी त्रिपोली में बाढ़ की वजह से सड़कें और स्कूल बंद। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी लीबिया में अभी भारी बारिश के आसार। ब्रसेल्स में नेटो मुख्यालय के सामने यूक्रेन के समर्थन प्रदर्शन। यूक्रेन के लिए बेहतर वायु रक्षा प्रणाली की मांग की। मंगलवार को होने वाली नेटो की बैठक में यूक्रेन के लिए नए सहायता पैकेज का ऐलान कर सकते हैं सहयोगी देश। इटली के इस्चिया द्वीप पर लैंडस्लाइड के बाद राहत बचाव का काम जारी। लापता लोगों की खोज में लगी रेस्क्यू टीम। एक बॉडी बरामद। अब भी 11 लोग लापता। रूस के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद शिवलुच ज्वालामुखी में बड़ी हलचल। वैज्ञानिकों की चेतावनी, कभी भी हो सकता है ज्वालामुखी में विस्फोट। स्पेस एक्स का ड्रैगन कार्गो क्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। सफलता के से स्टेशन क्रू को पहुंचाए विज्ञान उपकरण। थाईलैंड में मंकी फीस्ट फेस्टिवल की शुरुआत। दुनिया भर से आए पर्यटक फेस्ट में हो रहे हैं शामिल। इलाके में पर्यटन लाने के लिए हर साल बंदरों को फेस्ट के लिए इस जरिए जताया जाता है। यूक्रेन के खेरसोन से नागरिकों की निकासी जारी। खेरसोन में हाल ही के दिनों में जबरदस्त हमलों के बाद शहर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।